नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सना खान का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक। आशा करती हूँ आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद लगा रही हूँ मैं यहाँ पर पतंजलि की सौंदर्य एलोवेरा जेल एज अ फेस प्राइमर लगा लूँगी मैं इसे। और आज के मेकअप लुक की अच्छी बात यह है कि मैंने इसे किया है सिर्फ लैक्मे 925 सीसी क्रीम की हेल्प से। तो मैं इसे अच्छे से फिंगर की हेल्प से टैप टैप करते हुए अच्छे से लगा लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी इसे फिंगर की हेल्प से। और मेरे फ्रेंड्स जस्ट एक छोटी सी कोशिश की है उनके जैसा मेकअप लुक करने की। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। यहाँ पर मैं सीसी क्रीम को ही एज अ कंसीलर लगा रही हूँ अपनी आईज़ पर, ताकि मेरे डार्क सर्कल जो हैं हल्के फुलके वो कवर हो जाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जो है वो भी थोड़े कवर हो जाएंगे अच्छे से। अब मैं लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेरी जो क्रीम मैंने लगाई है वो अच्छे से एकदम मतलब सेट हो जाए और मेरा जो लुक है वो फ्लॉलेस दिखे। अब मैं अपनी एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को कॉम कर रही हूँ यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जैकलिन हिल पैलेट से ये डार्क चॉकलेट कलर का शेड है, इसे अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी पैलेट से ये बेबी पिंक कलर का शेड है, इसे मैं अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करूँगी और ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लू कलर का शेड लेकर अपनी आईलिड पर लगाऊंगी। और बहुत ही लाइट सा शेड लगाया है मैंने, बहुत ही लाइट है ये, और हल्के हाथों से मैं लगा रही हूँ इसे, ताकि मैं जो इसके बाद आईलाइनर ड्रॉ करूँ वो इजीली ड्रॉ हो जाए। और अब मैं ये ब्लू हेवन के आईलाइनर से, ये ब्लू कलर का आईलाइनर है, इससे मैं अपना आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। और सना ने भी यहाँ पर काफ़ी मोटा विंग्ड आईलाइनर लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया है ये आईलाइनर, और अब मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से वही ब्लू कलर का शेड लेकर अपने आईलाइनर पर लगा लूँगी, ताकि मेरा जो आईलाइनर है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से ये शिमर आई शेडो पैलेट है, और इससे गोल्डन कलर का शेड लेकर मैं अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर में लगा लूँगी ऐसा हाईलाइटर, अपनी ब्रो बोन्स पर लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ, बहुत ही लाइट सी कंटूरिंग की हुई है सना ने यहाँ पर। और अब मैं हाईलाइटर लगा लूँगी, क्योंकि सना ने हाईलाइटर काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया हुआ है, मतलब भरकर लगाया हुआ है, तो मैं भी हाईलाइटर लगा लूँगी यहाँ पर। और अब मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ ये ब्लश। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये पिंक कलर का शेड है, लिपस्टिक लगा लूँगी मैं अपनी। और हो सकता है गाइस आपको कैमरा में शेड जो है काफ़ी चेंज नज़र आए। और अब मैंने ऑफ कैमरा अपनी फॉल्स लैशेस भी वियर कर ली हैं। अब मैं यहाँ पर मस्कारा लगा रही हूँ, ये मैक का मस्कारा है। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी सी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और गाइज, मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, मेकअप लुक, मेकअप ट्यूटोरियल्स काफ़ी लुक किए हुए हैं, तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।